हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जो मेरा आज की वीडियो टॉपिक है वो है कि आप आर्मी की जो टेस्टेस होती हैं, आर्म फोर्सेज, पाफ, नेवी वगैरह, वो सारी टेस्टों की जो प्रिपरेशन होती है वो आप किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी जो टेस्टेस होती हैं ना, वो हमारी रिलेट करती हैं एक दूसरे से ही। ठीक है, इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद एकेडमिक होता है हमारा पोर्शन, मतलब सौ चीज़ें होती हैं मतलब इसके अंदर। ISSP होती है जो हमारी सबसे ज़्यादा टफ होती है, उसके लिए एक अलग सेशन पे एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले इनिशियल टेस्ट पर एक वीडियो है कि आप उसकी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे किस तरह आप कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपने ब्राउजर्स में आ जाना है। ठीक है, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में भी आप अपना ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। ठीक है, तो आप लोगों देखें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनको सर्च करते हैं आप। ठीक है, तो gotes.com एक वेबसाइट है, उसको सर्च करें। तो gotes.pk आ चुकी है वेबसाइट, ये बहुत बेहतरीन वेबसाइट है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ एक वीडियो में। ठीक है, तो बहुत पुरानी वीडियो है। तो इसके अंदर न्यू अपडेट्स किए हुए इन्होंने कि एंट्री टेस्ट के लिए भी, CSS के लिए भी अलग है, GK एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब ऑल ऑफ दीज के लिए ये बेस्ट है। तो अब ये देखें, हम फोर्सेस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम करते हैं ज्वाइंट PF, पाकिस्तान एयरफोर्स। तो अब इसके अंदर आ जाती है ये टेस्ट इनो की। अभी कुछ मतलब कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, ठीक है, कि सर मैथ के ऊपर एक वीडियो बनाए, मैथ क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए, अभी मेरे पास मतलब कि अभी उसको MCQs का निकालने का, उसके बाद सॉल्व करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। ठीक है, तो उसने कहा ट्यूसडे की टेस्ट है, तो इधर से ही हम मैथ क्वेश्चन लेते हैं, उनको सॉल्व करने की ट्रिक भी बताता हूँ मैं आप लोग किस तरह करने। तो मैथ क्वेश्चन हमने ओपन कर लिए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करते हैं। देखें मैथ के आ जाते हैं ये जो क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक मैथ, वर्ड प्रॉब्लम, सिंप्लीफिकेशन, प्रूफ, लॉस, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, डेसिमल फ्रैक्शन, होल नंबर्स, नंबर्स, इक्वेशंस, एवरेज। ठीक है, मैथ एक ऐसा वाइड सब्जेक्ट है जिसमें आपको करनी पड़ती है प्रैक्टिस। मैं आप लोगों को इधर बताऊंगा ट्रिक, आप ये चीज फॉलो करेंगे। देखें, अभी मैंने किसी चीज की प्रिपरेशन करके इधर नहीं बैठा हूं। ठीक है, ना मैंने इसको पहले ओपन किया है, ठीक है, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं इसके अंदर देखें क्वेश्चन भी गलत होंगे हमारे। ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ करने किस तरह है। मैथ की एक जनरल टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्या देते हैं इसके अंदर देखते हैं जनरल टेस्ट में। ये तो अभी जनरल टेस्ट, जनरल बेसिस पर क्विज जो हमारे हैं, ठीक है, तो नंबर्स पर जाके देखते हैं। अब आ जाते हैं हमारे, देखें इधर है हमारे टोटल क्वेश्चंस 12। अब इसके अंदर सॉल्व करने ही करते हैं कि कौन कौन से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखें, अब इधर मेरे पास इस टाइप की अवेलेबल नहीं है कॉपी या कुछ भी चीज। अभी इधर मैं आपको बताता हूँ किस तरह फॉलो करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शुड बी एडेड टू 11,158 टू मेक एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 77। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर देखें क्वेश्चन को आप पहले समझ नहीं करेंगे कि कहना क्या चाहता है वो क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप लोगों को देखें 11 और 58 को देखें, ये बोल रहा है कि कौन सा नंबर एड करें जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो सके 77 के। तो आपने आपने डिविजिबल वाले अगर आपने वो पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप इसको एग्जैक्टली तौर पे कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपके मतलब कि क्वेश्चन मुश्किल ही आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं है मतलब कि अब देखें ऑप्शन से। सबसे पहले आपको ट्रिक याद रखें कि 8 को ऐड करके देखना है, उसके बाद 9 को ऐड करके देखना है, ठीक है, 7 को ऐड करके देखना है, उसके बाद जो भी मतलब कि इन चारों में से ऐड करके देख लेना है, जो आपका आंसर आ रहा है वही परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन इधर से सिलेक्ट करना हमारा लाजमी है, तो इस टाइम पे कोई अवेलेबल चीज नहीं, मैंने आपको बता चुका हूं। इन्होंने हर एक को एड करके देख लेना है, तो वीडियो जल्दी जल्दी करके बता रहा हूं मैं। तो मिसाल के तौर पे हम इसके अंदर एड कर देते हैं 9 को। सी आंसर क्या आ रहा है हमारा, गलत है, 7 ही 7 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस वेबसाइट से आप
इजिली कर सकते हैं. इट इज वॉट इज द नंबर ऑफ जस्ट मोर देन 5,000 विच इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 73. तो मतलब कौन सा नंबर होगा जो 73 से डिवाइजेबल हो सकता है, ये भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, उधर हम एमसीक्यूज पे थे. तो ठीक है, मैं इसी तरह आपको बता रहा था, इसी तरह आपको सॉल्व करना है. इस टाइम पे मेरे पास कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, तो मैंने जल्द से जल्द मतलब जल्दी जल्दी वीडियो बनाई है. ठीक है, तो आप लोगों को मैं ट्रिक बता चुका हूँ. उसके अलावा देखें कि मेरी फिजिक्स में भी आपको ट्रिक बताई. ठीक है, ऑप्शन देखें, जो सबसे ज्यादा रिलेट करता है उसको फॉलो करें. ठीक है, उसके बाद आप ऑप्शन टिक करें, पहले माइनस करने ही करें ऑप्शंस को. ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको करने माइनस. जितने कम ऑप्शंस होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके राइट आंसर देने के. तो होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके. तो कुछ टाइम बाद में मैथ क्वेश्चंस के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाऊंगा. ठीक है, सीरीज जैसे फिजिक्स क्वेश्चन में बनाई, जस्ट 5 to 10 मिनट्स की. ठीक है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं. ठीक है, तो 10 सीरीज होने वाली है ये बहुत जल्द. लेकिन उससे पहले मेरी सीरीज क्वेश्चन पर भी वीडियोस बनाने का इरादा है. तो होप जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा मैं. ठीक है दोस्तों, इसलिए जब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर.